Hello, Versatile family. Myself, Amit Chaturvedi, and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों, जो real success and struggle stories की series चल रही है, उसमें काफ़ी सारे videos हम already discuss कर चुके हैं. अगर आपने वो videos नहीं देखे हैं, तो आप channel की playlist में जाकर उन videos को भी देख सकते हैं. और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. यूपीएससी परीक्षा से बहुत से बच्चे डरते हैं, सोचते हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत तक करनी होगी. कौन इतना पढ़ेगा, कैसे होगी तैयारी, पास ना हो पाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. ऐसे सवाल मन में उठते हैं. पर बहुत से बच्चे इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, फेल होते हैं, फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते. ऐसे ही हम आपको यूपीएससी परीक्षा से डरने वाले एक लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं. वो आज इंडियन पुलिस सर्विस में ऑफिसर जरूर हैं, लेकिन एक समय में वो सिविल सर्विस परीक्षा से बहुत डरते थे. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऑफिसर बन सकेंगे. वो तो घर चलाने के लिए छोटी मोटी सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते थे. अलवर राजस्थान के लखन सिंह यादव ने परिश्रम, लगन और धैर्य की एक उत्कृष्ट मिसाल कायम की है. सिविल सेवा परीक्षा 2017 में एक बड़ी सफलता के साथ सामान्य पृष्ठभूमि और हालातों से जूझते हुए आज के युवाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर से सिविल इंजीनियरिंग कर लखन ने जब अपने करियर के बारे में मन बनाना शुरू किया, तो सिविल सेवाओं के बारे में सोचा जरूर, पर अपनी औकात एकेडमिक पृष्ठभूमि के कारण थोड़ा संशय भी रहा. चंद शब्दों में लखन अपनी करियर यात्रा का सार कह डालते हैं. एकेडमिक उपलब्धियों के नाम पर बस किसी तरह नैया किनारे लगी है. अपने हालातों का जिक्र करते हुए लखन ने बताया, यदि मैं पीछे मुड़कर देखूं तो ग्रेजुएशन में मेरा प्रदर्शन औसत रहा. केवल 59% से इंजीनियरिंग पास की, और वह भी 4 वर्ष का कोर्स 6 वर्ष में पूरा कर पाया. ऐसे में मैंने कभी IAS बनने के बारे में नहीं सोचा. इतनी बड़ी परीक्षा को पास करने का सोचना तो दूर, इसमें शामिल होने का निर्णय मेरे लिए बहुत हिम्मत का काम रहा. मेरा लक्ष्य तो बस RPSC परीक्षा पास करके RAS या RPS बनना था. अब इसे सौभाग्य ही कहूँगा कि RPSC की लीट लतीफी से तंग आकर मैंने UPSC की तैयारी करने का निर्णय लिया. इस तथ्य को समझते हुए लखन ने अपने करियर विकल्प हेतु सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ विभिन्न स्तर पर कई परीक्षाओं में भाग लिया, और एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए कई परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त करते गए, और अंततः एक ऐसी सफलता प्राप्त की जिसके बारे में पहले वह सोचने से भी डरते थे. शुरुआत में तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मैं IAS बनना चाहता हूं और सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म भी भर रहा हूं. परंतु हार ना मानने की जिद और कुछ अच्छा और बड़ा करने के हौसले ने लखन को सिविल सेवा परीक्षा 2017 की सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. जैसे जैसे आगे बढ़ा, बाद में सभी चीज़ें बदलती गईं, और थोड़ा समय ज़रूर लगा, पर मैं अंततः आखिरी लिस्ट में आ पाया. लखन सिंह यादव ने 2017 में 565वीं रैंक के साथ सिविल सेवा परीक्षा अपने चौथे प्रयास में सफलता प्राप्त की थी. उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का चयन किया. सिविल सेवा में ही करियर क्यों, इस बारे में लखन ने कहा, ये ऐसी सेवाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े हर क्षेत्र को छूती हैं और जहां प्रत्यक्ष रूप से किसी की मदद की जा सकती है. मैं मानता हूं कि इन सेवाओं में करने को इतना सब है कि 34-35 वर्ष की सेवा में शायद व्यक्ति हर बार नए नए अनुभव से गुजरता है. जब भी मैं क्या किसी भी युवा का सरकारी सेवा में जाने का विचार मन में आता है, तो सबसे पहले यही आता है कि IAS IPS से बेहतर क्या हो सकता है. परिवार का परिचय देते हुए उनके योगदान के बारे में बताते हुए लखन ने कहा, मेरे पिताजी श्री मान सिंह यादव और माँ श्रीमती दुलारी देवी गृहिणी हैं. दो बहनें हैं सुमन यादव और एकता यादव, और भाई प्रदुमन सिंह यादव. मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है. मुझे लंबे समय के संघर्ष के बाद सिविल सेवा परीक्षा में आशातीत सफलता मिली. तब तक परिवार का सदैव मुझ पर भरोसा, और हर विफलता पर मिला उनका पूर्ण समर्थन.
सभी के प्यार के कारण ही मैं ये सफलता हासिल कर पाया हूँ, अन्यथा यह संभव नहीं था। करियर के लिए लक्ष्य स्थापित करने में तो ज़्यादा कठिनाई नहीं रही, परंतु इस तक पहुँचने की राह आसानी से नहीं मिली। लखन ने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और धैर्य के साथ अपने प्रयास तो जारी रखे, साथ ही अपने लिए करियर विकल्प हेतु विभिन्न स्तर पर कई परीक्षाओं में शामिल भी हुए। यह पूछने पर कि तैयारी योजना पर सही सलाह कहाँ से मिलती है, तो सादगी भरे अंदाज में लखन ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य ही रहा कि मेरे जीवन में सिविल सेवा क्षेत्र से संबंधित कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं रहा जो मुझे सही समय पर सही सलाह दे। अपनी समझ के अनुरूप मैंने खान स्टडी ग्रुप जयपुर से कोचिंग की और अपनी तैयारी का एक आधार तैयार किया। फिर राजेश मिश्र सर का वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण योगदान मिला, साथ ही कुछ मदद मैंने सुभ्रा रंजन मैम के नोट से भी ली। इसके अलावा मैंने अपनी गलतियों से ही सीख ली। भविष्य में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को प्रेरित करते हुए लखन का संदेश यह है कि औसत मेहनत करने से औसत परिणाम ही मिलेंगे। कुछ बड़ा करना है तो बड़ी मेहनत से नहीं डरना है, और विफलता से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इस अभिवृत्ति के साथ तैयारी करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप उस पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, इससे आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो बाय।